आपको ये करना है कि कितने एंटीबायोटिक हैं टोटल, ठीक है, ये तो लिखना है, ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे भी तो चलेगा, लेकिन आपको मेजरली एक इंपॉर्टेंट काम, पांच एंटीबायोटिक का नाम जो फेमस हो, टॉप में हो, ठीक है, पांच एंटीबायोटिक का नाम, और वो किस ऑर्गेनिज्म से या किस पैथोजन से वो ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया जाता है, और वो किस डिजीज में काम करता है, ये तीन ऐसे टेबलर कॉलम बनाकर आपको लिख करना, ऐसे टेबलर कॉलम तीन बना लेना है। पहला लिखना है एंटीबायोटिक का नाम, सोर्स, एंड इन डिजीज क्योर करने के लिए कौन कौन से डिजीज में क्योर करता है, ठीक है, ये तीन कॉलम बना के आपको लिखकर मुझे सबमिट करना है। नेक्स्ट है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो, अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको है, कुछ चार पैथोजन है, चार पैथोजन है जिसको आपको नोट कर लेना है। एक है थर्ड लाइन में एस्परजिलस नाइजर या नाइगर, ठीक है, ये क्या है, ये फंगस है, अंडरलाइन करिए, किसका फंगस है, सिट्रिक एसिड का। नेक्स्ट क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये एक बैक्टीरियम है, किसका, एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटुलिकम, ये भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है, किसका, ब्यूट्रिक एसिड का। लैक्टोबैसिलस क्या है, ये भी एक बैक्टीरियम है, किसका, लैक्टिक एसिड का, यानी माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं, यानी कौन सा ऐसा चीज है जो आपको ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस कर, आई मीन माइक्रोब कौन सा है कमर्शियल बेस पे यूज किया जाता है, तो हमारे लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटुलिकम का इस्तेमाल किया जाता है, और एसिटोबैक्टर एसिटी के साथ साथ एस्परजिलस नाइगर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किस लिए, क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है, चलो कोई हमें बता सकता है यहां पे जिसको अभी अवेलेबल है, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब का, यस प्लीज। रुचिका, मिताली, दिलबर, प्रियांशु, आकांक्षा, आंचल, इतने लोग हैं, अंजलि 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 है, नीलू है, सब लोग हैं, है ना, बताइए, हाँ रजिया आप बताइए, सॉरी आपका नाम क्या है, प्रवीण, साइना परवीन, रौनक परवीन, सॉरी आप बताइए, कौन सा केमिकल, हाँ ओके, हाँ ठीक है, ये सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, है ना, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड के लिए क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटुलिकम, एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटी, सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल का प्रोडक्शन कहां से किया जाता है, तो ये ईस्ट से किया जाता है, कौन सा ईस्ट है, ये ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। नेक्स्ट अगर बात करें एंजाइम, तो यहां पे एंजाइम्स भी बनते हैं, ठीक है, चलो लाइपेस है, लाइपेस एंजाइम है, हम आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं क्या है, यस, लाइपेसेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट, सो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, सो माइक्रोब्स किसमें इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइम के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से एंजाइम के इस्तेमाल में, आई मीन प्रोडक्शन में, तो पहला जो एंजाइम यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है वो है लाइपेस, यहाँ पे जो दिया है आपके सामने लाइपेस, और ये लाइपेस का एंजाइम है, लाइपेस क्या है, लिपिड को ब्रेक करता है, क्या करता है, लिपिड को ब्रेक करता है, ठीक है, जब लिपिड को ब्रेक करता है विच मीन्स मान लो कि ऑयल में क्या होता है,
ऑयल में क्या होता है? ऑयल में क्या होता है? ऑयल में होता है लिपिड, ऑयल में होता है लिपिड। और मान लीजिए कि हमारे कपड़े में दाग लग गया तो उसमें क्या है, ऑयल का स्टेन लग जाता है, वो लिपिड है। और ये एंजाइम क्या करेगा, लिपिड को तोड़ेगा, तो हम उस एंजाइम की मदद से उस स्टेन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेन रिमूवल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सर्फ और डिटर्जेंट। तो ये डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगा, यानी लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। कपड़ों से ऑयल का स्टेन रिलीज करने में मदद करता है। चलो नेक्स्ट है पेक्टिनेस। नेक्स्ट क्या है? पेक्टिनेस है, हम आपको बताते हैं, यहां पे लिखा हुआ है पेक्टिनेस एंड प्रोटीएसेस। You must have noticed that bottled fruit juices brought from the market are clearer as compared to those made at home. हम लोग जो घर में लाते हैं बाहर से, तो जूस क्या होता है, एकदम साफ सुथरा होता है ना, क्लीन होता है। घर पे इस्तेमाल करते हैं तो पता नहीं 10 किस्म का कलर आ जाता है उसमें, है ना, बहुत सारी चीजें आती है, डस्ट वस्ट। This is because the bottled juices are clarified by the use of पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस। ये जो एंजाइम यहाँ पे दिया है पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस, इससे उसको क्लियर किया जाता है सॉल्यूशन को। जूस बनाने के बाद ये एंजाइम डालकर क्या किया जाता है, तो उसको क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इंफेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। कोई भी हार्ट का पेशेंट है, अगर वो मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या कह सकते हैं कि ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेस जरूर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का दवा, ड्रग दिया जाता है। साथ ही साथ अटोरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन नाम के ड्रग दिए जाते हैं, स्टेटिन ड्रग। अपने किसी के घर में अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो जाके देखिएगा उसके दवा में रोजवास्टेटिन या अटोरवास्टेटिन या ऐसा कुछ स्टेटिन नाम का दवा जरूर होगा। उसके साथ साथ स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम, ठीक है, दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस यानी इसका नाम डायरेक्टली स्ट्रेप्टोकाइनेस नहीं होगा, दवा का नाम कुछ और होगा, लेकिन उसमें जो एंजाइम होगा वो स्ट्रेप्टोकाइनेस होगा। और वो कहां से आइसोलेट किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस से आइसोलेट किया जाता है। ये किस लिए होता है? तो अगर मान लीजिए कि हमारे ब्लड वेसल में कोई क्लॉट वगैरह फॉर्म हो जाता है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस देकर हम क्या कर सकते हैं, उस क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो दवा दिया जाता है। नेक्स्ट है अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोस्पोरिन के बारे में पूछा गया है, इसीलिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए। साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ये फंगस से आइसोलेट किया जाता है और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, इसको हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग कहते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए ये दिया जाता है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद 1 सप्ताह या 10 दिन तक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं। उसमें ये क्योंकि क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि मास्क हटाइए और बोलिए। हाँ बोले, नहीं नहीं देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा जो है किडनी खराब हो गया, 2 किडनी है मेरे पास, मेरा किडनी क्या हो गया है, आप यहां बैठी, आपको मुझ पर दया आ गया, आपने कहा कि हम अपना किडनी डोनेट कर देते हैं। आपके घर वाले मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि चलो हम एक किडनी डोनेट कर देते हैं।
आपने मुझे डोनेट किया, ठीक है, आपका ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, दोनों का ब्लड टेस्ट मैच किया वगैरह सब कुछ हुआ, उसके बाद डोनेट किया गया। जब डोनेट किया, हमारे बॉडी ने क्या किया, हमारे बॉडी को लगा कि आपका जो किडनी हम जो ले रहे हैं वो एंटीजन है, वो जो सेल है वो क्या है, फॉरेन बॉडी है। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करने लगता है, आपके किडनी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। उसी को रोकने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है ये दवा देकर, ठीक है, इसीलिए इस दवा को क्या कहते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग कहा जाता है। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है यहाँ पे? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज बूंदाबांदी कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 15 लोग में बारिश तो हो नहीं सकती है, तो बूंदाबांदी ही कर दीजिए। हाँ चलो, समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो साइक्लोस्पोरिन ए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन से फंगस से लिया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। स्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस हैज बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अंडरलाइन, ये पैराग्राफ में इतने सारे क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इट एक्ट बाय कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए एंजाइम दिया जाए, इस पर्टिकुलर चीज को दिया जाता है। ये क्या है, ये क्या है, ये एंजाइम एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म होने में मदद करता है, फॉर्म होने से रोकने में यह मदद करता है, ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। सो इस पैराग्राफ में राउंड हम अगर कहें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं बहुत आराम से, 15 से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिएगा। बस यही आपको करना है, सिमिलरली जैसे हमने बताया कि आपको एक टेबलर कॉलम बनाना है, आसान तरीका हम बता रहे हैं याद करने का, टेबलर कॉलम बना लेना है इस तरह से। टेबलर कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है, पहले टेबलर कॉलम में लिखना है आपको एंटीबायोटिक का नाम या ईस्ट का नाम या फंगस का नाम या बैक्टीरिया का नाम, दूसरे में उससे क्या आइसोलेट किया जाता है, या आप यहाँ पे लिखिए एंटीबायोटिक या ड्रग का नाम, यहाँ पे लिखिए कहां से वो आइसोलेट किया जाता है, और तीसरे जगह पे किसमें के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस थ्री, इफ यू राइट इट इन अ टेबलर कॉलम बाय फॉर्मिंग टेबलर कॉलम्स, व्हाट विल हैपन, इट विल मेक यू टू रिमेंबर ऑल द टाइम। ये हमेशा आपको याद रखने में मदद करेगा, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही टेबलर कॉलम से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही कॉलम में कॉलम बी में क्वेश्चन आते हैं, मैच वन मैच टू, है ना, तो इसे आ सकते हैं, तो प्लीज इसके लिए ध्यान रखिए। और ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है, ये स्टेटमेंट वाइज में करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन में भी ऐसे यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बुक में नहीं है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है, इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ऑप्शन सी, used as a clot buster for removing clot from the blood vessel of patient. Option D, used to remove oily stains from the laundry. कौन सा आंसर सही होगा बताइए। क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम के रिगार्ड्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol, ऑप्शन बी यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऑप्शन सी यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, ऑप्शन डी यूज्ड टू
रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, सी आएगा, क्लॉट बस्टर बुक में आंसर है इसका, आंसर आएगा बी, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी, है ना। तो ये ऐसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस पैराग्राफ को इतना सीरियसली लीजिए, इतना सीरियसली लीजिए जैसे मोदी जी के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट, ठीक है, जिस तरह से मोदी जी के लॉकडाउन का अनाउंसमेंट को सीरियसली लेते हो, उसी तरह से इस पैराग्राफ को भी उतना ही सीरियसली लो जितना सीरियसली आप कोरोना को लेकर मास्क पहनकर घूम रहे हैं, उसी तरह से इसको भी सीरियसली लो, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ समझ में आ गया हो तो प्लीज क्या करें, अपना काम करें। यस ओके, नीट रिजल्ट आ गया क्या, नीट का रिजल्ट लगता है आ गया है, आ गया क्या नीट का रिजल्ट, एक सेकेंड, अभी आप लोग क्या करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और दो मिनट का यहां पे मुझे टाइम दे, ठीक है, छोटा सा पानी पी लेते हैं ना, पानी वानी पी लेते हैं, आप लोग भी रिलैक्स कर लो। नीट का रिजल्ट आउट हो गया, नीट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, नितिन खंडेलवाल 701 नंबर के साथ टॉपर रहे हैं शायद राजस्थान के, बड़ा जल्दी आ गया यार, क्या हो गया, बहुत जल्दी आ गए, देख रहे थे दिलवर तो ऑनलाइन थे यहाँ पे, अच्छा आइए आइए जल्दी आइए बैठिए। ये ले लो इससे, नीट का रिजल्ट आ गया, पता है 2020 जस्ट अभी खबर आया, वो क्या इंस्टाग्राम में पोस्ट देखे हो क्या, सब दो चार दिन पहले जो आया था वही देख रहे, देख के बता रहे हो, फेसबुक पे देखे पे सुने हो, अच्छी के चलो किताब निकालो यार, बुक निकालो, ऑल राइट। सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ओके, सीवेज क्या होता है, व्हाट इज सीवेज, नाला, गंदा नाला, घर से निकलने वाले सेप्टिक टैंक, ये सब चीजें सीवेज कहलाता है, है ना। आप आगे आ जाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए,
आज भी बुक नहीं लाए हो? अच्छा एक ही में है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बैठिए, बुक सेंटर में रख दीजिए। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें हमेशा, चाहे आप साथ रहते हो दूर रहते हो फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है ना। चलो किस, क्योंकि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हर इंसान में अलग अलग होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, किसी किसी को पसीने इतने ज्यादा छूटते हैं, किसी किसी को पसीना ही नहीं छूटता है, हमें इतना ज्यादा भैया थोड़ा अच्छे से पहनो यार, लेडीज बैठी हुई है बगल में, गंजी गंजी सब दिखा, कैसे ड्रेस, ठीक है। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, ठीक है, अपना मुंह नाक और हमेशा ढके रहें, बाहर निकले तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमेशा करते रहें, पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं उतना ज्यादा पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, बॉडी में फ्लूइड की कमी हो सकती है, ठीक है, जिससे भी हमारे सेल्स जो है वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, हम दिख रहे हैं, हाँ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, है ना, हेल्दी हेल्दी खाना खाइए, गरम गरम खाना खाइए, भले कितना भी गर्मी हो, फ्रिज में डालकर मत खाइए, फ्रिज का प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, और नहाएं रोज कम से कम 2 बार, ठीक है। चलो, we know that large quantities of sewage, sewage यानी नाला, यानी गंदगी, ठीक है, गंदी नाली, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीवेज। We know that large quantities of waste water are generated every day in cities and towns. A major component of this waste water is human excreta. घर से निकलने वाले सेप्टिक टैंक, बाथरूम से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे किचन हाउसहोल्ड से निकलने वाले वेस्ट, ये सब वेस्ट क्या है, ये सब वेस्ट सीवेज में ही जाएंगे, ठीक है। द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, म्युनिसिपल वेस्ट, उसको हम सीवेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो। अच्छा, सुबह सुबह हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारा जो पूप है वो स्मेल क्यों करता है, पूप समझते हैं, पूप किसको कहते हैं, पूप यानी स्टूल, स्टूल यानी फीसेस, फीसेस यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा, तो सुबह सुबह वॉशरूम में निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पूप कहते हैं, जनरली नॉर्मल अमेरिकन भाषा में पूप कहते हैं उसको, स्टूल कहते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है, फीसेस कहते हैं या स्टूल कहते हैं। होता है ना, उस वक्त आस पड़ोस के हाफ एन किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक बदबू फैला रहता है ना, क्यों ऐसा होता, बदबू क्यों आती है, माइक्रोब्स के, ठीक है, बदबू क्यों मारते हैं, दो कारणों से बदबू मारते हैं, दो कारण है, कौन कौन से कारण है, पहला कारण है कीटाणु है, माइक्रोब है, जिस वजह से वो बदबू मारता है, दूसरा कारण सो माइक्रोब यानी हमारे शरीर में कहीं भी अगर स्मेल दे रहा है, कहीं भी, नॉट ओनली अवर बॉडी, एवरीवेयर, जहां भी देखो कहीं भी अगर कुछ स्मेल दे रहा है उसके पीछे, अगर खुशबू दे रहा है उसके पीछे और जो स्मेल दे रहा है उसके पीछे, दोनों के पीछे क्या कारण होता है, माइक्रोब, दोनों के पीछे कौन कारण होता है, दोनों के पीछे कारण होता है माइक्रोब, तो माइक्रोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, है ना, है ना, वहां देखने सच्चा यही डाल देखो, तो माइक्रोब रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये हमारे पूप से भी निकलते हैं, यानी स्टूल से भी माइक्रोब क्या होते हैं, निकलते हैं, और दूसरी बात
हमारे जो यूरिन है वो क्यों स्मेल करता है? क्या उसमें भी कीटाणु है? हो सकता है, लेकिन उसके स्मेल के पीछे कारण कुछ और है। क्या कारण है? कोई बता सकता है कि यूरिन हमारा स्मेल क्यों करता है? हाँ जी, यूरिन हमारा स्मेल क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्मेल ऑफ द यूरिन? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन प्लीज, यहां पे जितने हैं 14 लोग हैं यहां पे, बताइए। क्वेश्चन गोज टू आंचल। आंचल बताइए कि यूरिन स्मेल क्यों करता है? सौरभ एंड दिलवर। दिलवर, अरे बाप रे, हाँ दोनों एक साथ। बताइए आंचल। हाँ जी, आंचल ने आंसर दिया है यहाँ पे, और आंसर आंचल ने आंसर दिया है सर नहीं पता, ऐसा आंसर था तो कुछ देती नहीं। राशि सिंह, नहीं हंसना नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कि सबको पता हो, है ना। राशि सिंह आप बताइए आंसर क्या है? देखो कोई जरूरी नहीं होता है कि सबको आंसर पता ही हो, नहीं जानना ये गलत नहीं है, लेकिन अभी नहीं पता है तो इसका मतलब कभी पता ना हो ये गलत है, पता करो, है ना। गलत आंसर दो, लोग आंसर दो। चलो बताओ तो, राशि सिंह बताइए। राशि, राशि, ये राशि, ओके, हमारे यूरिन में स्मेल होता है। यूरिन जब हम लोग पानी अच्छे से वॉशरूम में नहीं डालते तो गंदा स्मेल देता है। मम्मी कहती दोबारा फिर से फ्लश दबा के रहो, है ना, फ्लश क्यों स्मेल देता है? कौशिकी वर्मा, नेक्स्ट बताइए कौशिकी, क्यों स्मेल देता है कौशिकी? कॉलीफ्लावर खाए हो? गोभी, जब गोभी सड़, गोभी का सब्जी जब खट्टा हो जाता है जो स्मेल आता है ना, ऐसा स्मेल आता है यूरिन में, क्यों होता है? कुछ सोचो, सोचो, यूरिन से क्या निकलता है? यूरिन से क्या निकलता है? हाँ, यूरिन से यूरिन निकलता है, यूरिया निकलता है। अब सोचो, कुछ तो सोचो। चलो हम नहीं बताने वाले, आप लोग को खुद बताना है। नहीं, मेडिसिन नहीं भी लेते हैं ना तब भी स्मेल आता है, क्यों आता है? अगर पानी फ्लश नहीं करते तो स्मेल आता है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स। याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड या जो मटेरियल यूरिन से निकलता है, डिहाइड्रेशन नहीं डिग्रेडेशन, उसके वजह से जो वो जब डिग्रेड होने लगता है तो अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, और अमोनिया कॉजेस स्मेल। आपने कभी केमिकल लैब में अमोनिया को सुना है? नहीं सुना है? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट इज हैविंग पंजेंट स्मेल, इतना घटिया स्मेल देता है, उल्टी हो जाएगा। अमोनिया बहुत घटिया स्मेल देता है, इवन गैस, अमोनिया जो गैस होता है बहुत घटिया स्मेल देता है, बहुत गंदा स्मेल देता है ना। ये जो भी हमारे यूरिन में जो मटेरियल्स होते हैं, ये यूरिन के मटेरियल, यूरिन में जो मटेरियल होता है, ये क्या होता है? ये डिग्रेड होकर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, दिख रहे हैं? और वो जो अमोनिया में जो कन्वर्ट होता है वही स्मेल देता है। क्या देता है? स्मेल देता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो स्टूल होते हैं, उसमें जब स्टूल के जो मटेरियल होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो ऐसे मटेरियल जो डिग्रेड होने लगते हैं, तो स्मेल कॉज करते हैं। दो रीजंस हैं, पहला माइक्रोब और दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे सीवेज क्या है? सीवेज में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और माइक्रोब होते हैं, और उसके बाद क्या होंगे?
उसके बाद वो चीजें जब डिग्रेड होता है तो वहां से निकलते हैं स्मेल। चलो, तो मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, हाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई बिफोर डिस्पोजल, हेंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। यानी अगर मान लीजिए कि जो सीवेज निकल रहा है क्योंकि इसमें है माइक्रोब और इसमें है ऑर्गेनिक एफ्लुएंस, ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि हमारे, अगर ये डायरेक्टली नदी में या तालाब में या समंदर में इसको डाल दिया जाए तो क्या होगा, गंदा कर देगा, पूरा पूरा खराब कर देगा। वही नदी से, समंदर से, नदी से आने वाले पानी हम लोग पीते हैं, वी ड्रिंक, नदी के पानी पीते हैं ना हम लोग, नदी के पानी पीते हैं कि कहीं और से पानी आता है, रिवर वाटर पीते हैं हम लोग, उसको फिल्टर करके उसमें क्लोरीनेट करके, उसको क्लोरीन ऐड करके ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ऐड किया जाता, ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता नहीं, क्लोरीन पाउडर, क्लोरीनेट किया जाता है, उसको कहते हैं क्लोरीनेशन, जिससे पानी मीठा होता है, साफ होता है पानी, तो उसको हम क्या करते हैं, साफ करके तब हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सीवेज को भी ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्यूरिफाई करने के बाद, हंसो नहीं, होता है प्यूरिफाई करने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन होता है, सीवेज का प्यूरिफिकेशन होकर इसको रिवर में छोड़ दिया जाता है जो अल्टीमेटली ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है, समझ रहे हो। तो जब ये रिवर में छोड़े जाते हैं उससे पहले इसको ट्रीट किया जाता है और इसी को ट्रीटमेंट को कहते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। और ये सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होता कहां है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वहां पे सीवेज वाटर कलेक्ट होकर ट्रीटमेंट किया जाता है। आपके अगले पेज में वही आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो अगले पेज में एनसीईआरटी के है, दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है, ये है सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किए जाते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली कुछ 2 से 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी इसको एक बड़े बड़े कंटेनर में, बड़े बड़े मटेरियल में पास किया जाता है, इसमें हम माइक्रोब ऐड करते हैं। सुनो, ध्यान से सुनिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे क्यों आ गया, हम लोग माइक्रोब की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आ गया सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज में ऑलरेडी माइक्रोब होता है, वो तो खतरनाक है, वो तो खराबी करेगा हमारे बॉडी को, तो हम ह्यूमन वेलफेयर में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस ट्रीटमेंट के लिए भी हमें माइक्रोब की जरूरत है, ठीक है, इस ट्रीटमेंट के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, माइक्रोब की जरूरत है। यानी इस सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमें माइक्रोब की जरूरत है। कैसे जरूरत है भैया, कौन सा माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब हम लोग आगे के पैराग्राफ में देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, ओके। तो यहां पे जो माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, वो है आपका ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। यानी जो सीवेज में प्रेजेंट होते उन्हीं माइक्रोब्स की मदद से हम इसका ट्रीटमेंट कराते, समझ में आ रहा है, दिलबर कोई दिक्कत है, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज, इसके 2 स्टेजेस में इसको हम ट्रीट करते हैं। पहला स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा स्टेज है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एंड टर्शियरी विल बी योर प्योर वाटर हम मिल जाएगा हमें, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। These are removed in stages. Initially, floating debris is removed by sequential filtration. Then the grit, soil and small pebbles are removed by sedimentation.
All solids that settle from the primary sludge and the supernatant forms and forms the effluent. The effluent from the primary settle tank is taken for secondary treatment. पहले तो basically हमारे सीवेज में ध्यान से सुनिएगा आप लोग ना अपने आंखों के सामने अपने घर की गंदी नाली देख लीजिए ठीक है आपके घर के आस पड़ोस में बहुत बह रहा होगा ठीक है बिहार है ये तो आम बात है ना तो आपके घर के आस पड़ोस में बहुत सारे होंगे जिसमें जो नाली है उसने अपने फील किया होगा जाम लग गया है ना जाम क्यों लगा है तो उसमें क्या उसमें आ गया है बोरी पॉलिथिन है ना प्लास्टिक का बोरी उसमें डाल देता है सब है ना थैली खा का ऊपर से छत से ऐसे गोल गोल घुमाकर फेंकता है एकदम जाके गिरता है ऑपोजिट वाले के कंपाउंड में है ना कोई नीचे उतर के नहीं आएगा कोई नीचे उतर के नहीं आएगा क्या करेगा तीन मंजिला है थर्ड फ्लोर तक है तो थर्ड फ्लोर ऊपर से घर से बाहर निकलेगा पॉलिथिन कवर को ऐसे रोटेट करेगा एकदम छोड़ देगा जहां जाके गिर जाए गिरना खुद हम किए हुए हैं ये किया है हम जब छपरा में रहते थे हमारे घर के जस्ट बगल में स्कूल था ठीक है छपरा सेंट्रल स्कूल था वही रेलवे ट्रैक के पास था रेलवे ट्रैक के पास एक स्कूल स्कूल का नाम क्या है बताइए तो छपरा पब्लिक स्कूल आप लोगों को पता होगा बताइए जरा क्या है वो कौन सा स्कूल है CPS छपरा पब्लिक स्कूल जो भी है ठीक है तो छपरा पब्लिक स्कूल के बगल में हम लोग रहते थे वो जस्ट उसके सटा हुआ हमारा फ्लैट है ठीक है ऊपर टॉप फ्लोर में तो क्या करते थे घर से हम अकेले रहते थे नीचे उतर के जाएंगे फेंकेंगे गलत है क्या करेंगे सेंट्रल पब्लिक स्कूलों के बगल में उसका जो टॉप फ्लोर था स्कूल का वो टॉप फ्लोर बहुत गंदा था वहां पे साफ सफाई आज तक नहीं हुई ठीक है इतना गंदा था वो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कचरे पड़े हुए छोटे मोटे कचरे ऐसे के चिप्स खाए साइड में फेंक दिए गलत आदत है ये बहुत ज्यादा गलत आदत है हमने बाद में रियलाइज किया और हम छोड़ दिए तो कहा नहीं भाई हम गलत कर रहे स्कूल में सब फेंकना गलत बात है किसी घर होता तो फेंक देते अलग बात ठीक है लेकिन स्कूल पे नहीं फेंकना चाहिए कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए गंदगी नहीं फैलाना चाहिए इसलिए डस्टबिन का इस्तेमाल करें ठीक है क्योंकि बिहार में म्युनिसिपल वाला कूड़ा लेने आता नहीं है इधर उधर सब फेंक देते हैं शहरों में जाएगा तो कूड़ा लेने गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल के हम देते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है छपरा में कभी कभी आते हैं ठीक है खैर वो भी गली गुच्छे में थोड़ी ना आते हैं मेन रोड में आकर एकदम दिखा के चले गए कमाए हैं और दिखाकर चेहरा दिखाकर निकल जाता है तो ये क्या होता है यही चीजें जब बारिश होती है कचरा आपने रोड पे फेंका है खाया पॉलिथीन साइड में फेंक दिया रोड पे चलते गए ठीक है तो ये सब क्या होता है जब बारिश होती है तो यही सब चीजें जो है वो नाली में जाकर जमा होता है और पानी जाम लगता है और वहां पे क्या होता है फैलता है मच्छर और वहां से होता है मलेरिया और डेंगू होता है तो उसके बाद छोड़ो ये तो मलेरिया डेंगू दूर की बात है ये जब सीवेज जब जाता है तो इसमें साथ साथ इसमें बहुत सारे पॉलिथीन बैग्स और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मटेरियल्स होंगे पहले क्या किया जाता है तो बड़े से फिल्टर लगाकर बड़ा बड़ा फिल्टर जैसे मान लीजिए दीवार है दीवार में ऐसा हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से फिल्टर होते हैं ठीक है इस तरह से क्या होते हैं फिल्टर होते हैं बड़े बड़े फिल्टर ठीक है इस तरह से होते हैं फिल्टर देख लीजिए ठीक है ऐसे फिल्टर है तो इस फिल्टर से क्या किया जाता है इस फिल्टर से आपको यहाँ पे क्या करेंगे इससे जो बड़े बड़े मटीरियल है ये सब वहां पे रुक जाएंगे इसको हाथ से हैंड पिक किया जाता है हाथ से इसको निकाल के साइड में डिस्पोज किया जाता है और फिर इसको नेक्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट पर भेजा जाता है लोहिया नगर पूरा कचरा से भरा हुआ है भरा ही होगा बदबू दे बाप रे सोचिए पैर धोकर आते हो अंदर स्कूल में कि नहीं ऐसे ही आ जाते हो बदबू फैला रहे हो गंदगी फैला रहे हो जाके घर पे स्नान करके अंदर घुसना है कीटाणु उल्टी करने का मन करता है कर दे उल्टी एक तो कचरा है ऊपर से आप उल्टी करके और कचरा फैला दो खाना भी रोड पे फेंक देता है ये तो देखो सिर्फ कितना हमारा इंडिया जो है वो बर्बाद हो गया है
बिहार बेसिकली बर्बाद हो गया, क्यों? ऐसे ऐसे लोगों की वजह से। और ऐसे ऐसे लोग कौन है? हम जैसे लोग ही है ना। जब हम फेंक सकते हैं स्कूल के बिल्डिंग पर, तब किसी और का तो हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, अपने देश को, अपने, कहा जाता है कि अपने आंगन को अगर आप साफ रखिए, अपने अपने आंगन को इंसान साफ रखे तो पूरा देश साफ हो जाएगा। अपने अपने दरवाजे के पास, अपने घर के आगे थोड़ा सा साफ सफाई कर ले, और हर इंसान ऐसा कर ले तो पूरा इंडिया साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंडिया में बिहारी लोग क्या करेंगे, अपने घर के पे साफ करेंगे और साइड वाले पे, साइड के घर पे, साइड पे ऐसे साइड कर देंगे। कचड़ा फैला हुआ किसी को, क्योंकि साफ नहीं करना है, क्योंकि उनका तो है नहीं, दूसरे का जमीन है, फेंक दो उस पे। वो आएगा अपना साफ सफाई करेगा, तब तक तो फेंको। ये गलत आदत है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहले हैंड पिक किया जाता है, फिजिकली उसको रिमूव किया जाता है। बड़े बड़े फिल्टर्स हैं, उसमें ये वाटर पास किया जाएगा, तो जो बड़े बड़े मटेरियल्स हैं वो सारे वहीं पे रुक जाएंगे और उसके हैंड पिक करके रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ये भेजा जाता है आपके नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए। अगला ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी में फ्लोटिंग डेब्रिस क्या होते हैं, सुपरनेटेंट, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब कैसे प्रोसेस होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये क्लास ठीक ठाक गया है। ठीक है, बहुत कुछ कवर किया हम लोगों ने, और एकमात्र और एक क्लास या दो क्लास लगेंगे और आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इसीलिए जुड़ते रहिए, छुट्टी मत लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।